मुल्क भर में बड़ी जीत का बड़ा जश्न। पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन कौमी टीम की जीत की खुशी में निहाल। कराची, लाहौर और दूसरे शहरों में क्रिकेट के दीवाने झूम उठे। टीम की फतह पर खूब भंगड़े डाले। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क्रिकेट मैच जीतने पर टीम और कौम को मुबारकबाद। बाबर आजम, रिजवान और शाहीन आफरीदी की परफॉर्मेंस की तारीफ। साबिक सदर आसिफ अली सरदारी की जीत पर कौमी टीम को शाबाश। कहते हैं कौम की दुआओं से फतह हुई। आर्मी चीफ की टीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा कौमी टीम ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी। पाकिस्तान में कोरोना मजीद 9 जाने ले गया। एक दिन में 698 केस रिपोर्ट। मस्बत केसेस के शरह 1.65% रिपोर्ट। नाराज अरकान का दबाव काम कर गया। जाम कमाल ने वजारत आला से इस्तीफा दे दिया। वजीर आला बलोचिस्तान का इस्तीफा गवर्नर ने मंजूर कर लिया। बलोचिस्तान असम्बली में जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग आज होना थी। हुकूमत ने तहरीक लबैक के 350 कारकुनान को रिहा कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने ट्वीट में कहा कि उम्मीद है मुआहदे के तहत मुरीदके को दोनों अतराफ से जल्द खोल दिया जाएगा। जुड़वा शहरों में जिंदगी लौटने लगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की सड़कों पर खड़े कंटेनर्स हटा दिए गए। नाखुशगवार वाकये से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात। फकत महंगाई ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। बेरोजगारी अरूज पर है। आए रोज महंगाई के बम आवाम पर गिराए जा रहे हैं। हम इंशाल्लाह इस हुकूमत को आवाम बर्दाश्त करेंगे मजीद ना कोई और बर्दाश्त करेगा। हमारा काफिला निकल चुका है। इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर आवाम के सामने एक्सपोज करके दम। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मौशी तबाही और महंगाई के जरिए कौमी सलामती खतरे में डालने का मुजरिम करार दे दिया। कहते हैं मौशी तबाही की आग पर महंगाई तेल का काम कर रही है। हुकूमत का एक एक मिनट पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान पहुँचा रहा है। हुकूमत के जाने का वक्त आ गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वफ़द के हमराह सऊदी दारुल हुकूमत रियाद आमद। रियाद के नायब गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान बिन अब्दुल अजीज ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है यहाँ पर गरीबों के मसाइल हल करने के बजाय कहा जाता है दो वक्त की रोटी के बजाय एक वक्त की रोटी खा लो, एक रोटी कम कर दो, दो रोटियां खाने के बजाय एक रोटी खा लो। हुकूमत इत्तेहाद में दरारें पड़ने लगी। इत्तेहादी जमातें भी गिले शिकवे करने लगी। MQM पाकिस्तान के बाद मुस्लिम लीग ऑफ सिंध के सदर भी महंगाई पर फट पड़े। तारिक हसन कहते हैं वुजरा का महंगाई के खिलाफ अमले इकदाम के बजाय कम रोटी खाने का मशवरा शर्मनाक है। मौसम गर्मा 5 माह की छुट्टियों पर रवाना। मौसम सरमा ने चार्ज संभाल लिया। गर्मी के कायदे कानून खत्म। कर लें गीजर ऑन, निकाल लें गर्म कपड़े, बनाएं गर्म खाबे, क्योंकि अब चलेंगे सरमा के SOPs। करेगा जो खिलाफ वर्जी जाड़े की, खानी पड़ेगी हवा दवा खानों की।